छोटे शहर में एक अजीब युगल है। माँ शुद्ध और प्यारी है और बेटी अधिक परिपक्व और अधिक ईमानदार है। हालांकि वह केवल 10 साल की थी, लेकिन वह बेहद चालाक थी। कई लोगों को माँ की सुंदरता से आकर्षित किया गया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे स्वर्गदूत और शैतान के अवतार हैं। इस आदमी ने माँ की सुंदरता को मोहित कर दिया, लेकिन जिम्मेदार नहीं होना चाहते। इसलिए युलेनका ने तुरंत उस आदमी को नियुक्त किया, फिर उसे पीने के लिए पानी की बोतल में नींद की गोलियां डाले। जब झील के बीच में रोइंग किसी के आसपास नहीं देख रहे हैं, युलेनका ने आदमी को झील में धकेल दिया। क्या शामक युलेनका एक अचेतन आदमी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था? यह इसलिए था क्योंकि उसने महिला सहपाठियों को चोरी करने के लिए मजबूर किया था। कूदने से डर गया। उसकी माँ तब से मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन इन चीजों को 10 वर्षीय लड़की द्वारा कोई संदेह नहीं है। आज शहर में एक नया शिक्षक है। शिक्षक ने एंड्री नाम दिया। युलेनका ने आंद्रे पर गोल किए। युलेनका ने एंड्रे को फूल देने के लिए अपनी माँ का नाम लिया। एंड्री ने पीछा किया। उसकी माँ वास्तव में सुंदर है। एक पल के लिए आश्चर्यचकित एंड्रे, लेकिन एंड्री शादीशुदा है। दिल हिल गया, लेकिन एंड्री ने अभी भी शांत होने की कोशिश की। लेकिन बहुत जल्दी एंड्रे को पता था, इस स्कूल में माहौल बेहद अजीब है। छात्रों को लगता है कि कुछ रहस्य है। दूसरों को बताने में सक्षम होने के बिना न केवल खुले तौर पर बुली स्कूल, लेकिन जिन छात्रों को तंग किया जाता है वे भी चुप रहना चुनते हैं। एंड्री कक्षा में बैठे हैं। परिणाम को बचाव कागज का एक टुकड़ा मिला। ऊपर केवल 5 बड़े शब्द, कृपया हमें बचाएं। उन्होंने कक्षा में छात्रों से पूछा, लेकिन वह कुछ भी प्रकट नहीं करना चाहती थी। इस तरफ युलेनका शिक्षक के कार्यक्रम को समझता है, क्योंकि माँ अन्ना और एंड्रे को मिलने का अवसर है। उन्होंने गलती से पार्क में मिलने का नाटक किया। युलेनका ने जानबूझकर एंड्री और उनकी बेटी को अलग कर दिया। अपनी माँ और एंड्री को एक साथ रहने का अवसर दें। अन्ना को उसके बेहद खूबसूरत के सामने देखें। एंड्री ने तुरंत खुद को याद दिलाया, शादी को धोखा मत दो। और युलेनका चुपचाप दूर देख रहा था, दिल में लगातार शिकार के लिए प्रार्थना करना। अन्ना ने अपनी बेटी को देखा, बहुत अनुकूल नहीं व्यक्त किया, क्योंकि एंड्री की पत्नी ने उसे घर से आग्रह करने के लिए बुलाया। पिता और पुत्र को छोड़ते हुए और माँ की अकेली छवि को देखकर युलेनका बेहद गुस्से में था। माँ और बेटी ने फिर से एक मजबूत हमला तैनात किया। युलेनका एक पिता को ढूंढना चाहता है। युलेनका ने नए शिक्षक को निशाना बनाया। हालांकि एंड्री शादीशुदा है, लेकिन युलेनका की माँ के आकर्षण का विरोध करना भी असंभव है। अन्ना के सुझाव के साथ सामना किया एंड्री को थोड़ा लड़खड़ाते हुए। एंड्रे को अन्ना को छूने की जरूरत नहीं है। एक्वेरियम भी जमीन पर बिखर गया। अन्ना के सुझाव के साथ सामना किया एंड्री पूरी तरह से पराजित हो गया था। उसके बाद एंड्री ने जल्दबाजी में छोड़ दिया। माँ बालकनी पर अनिच्छा से देख रही थी, लेकिन सभी को युलेनका ने देखा। चावल को चावल में पका हुआ देखें। युलेनका बात करने के लिए एक शिक्षक को खोजने के लिए गया था। कहो कि उसकी माँ को पति की जरूरत है और उसे एक पिता की जरूरत है, लेकिन एंड्री सिर्फ जिम्मेदार होने के बिना मजे करना चाहती थी। खुद को केवल उन गलतियों को व्यक्त करना जो सभी पुरुष करते हैं। लेकिन इस वजह से नहीं, मैं आपके परिवार को छोड़ सकता हूँ। केवल युलेनका को मुस्कुराते हुए देखें। यदि आपने नहीं चुना तो आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। उस रात एंड्री और उसकी पत्नी तेजी से सो रहे थे, जब घर में अचानक आग लग गई। दंपति ने जल्दी से अपनी बेटी को जगाया और भाग गया। जब तक आग बंद हो गई, तब तक घर जला दिया गया, लेकिन यह बंद नहीं हुआ है। अगले दिन उसकी पत्नी एंड्रे ने उसे बताया, युलेनका अपनी बेटी को खेलने के लिए बाहर ले गया। यह सुनकर कि एंड्री को तुरंत गलत लगा, वह अपनी बेटी को खोजने के लिए सड़क पर पहुंचा। लेकिन पुत्री ने युलेनका को अलविदा कहने के बाद तुरंत एंड्री की ओर भागा। यह माना जाता है कि यह सुरक्षित था। नतीजतन एक जंगली कुत्ता नीचे चला गया। जब वह उसे अस्पताल ले गई, पूरी लड़की घावों से भरी हुई थी। एक लड़की की वर्तमान उपस्थिति को देखकर एंड्रे पूरी तरह से ढह गया। वह जानता था कि यह इसलिए था क्योंकि युलेनका ने अपना हाथ अंदर कर लिया था। लेकिन इस समय युलन ने यह कहने के लिए कहा कि वह एंड्रे से मिलना चाहता था, लेकिन इस यात्रा एंड्रे ने सीधे उसकी सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह उठी और फिर अंधेरे से मुस्कुराई, फिर चिल्लाया। एंड्री ने नहीं बोला, इसलिए उसे जेल ले जाया गया। युलेनका ने भी अपने सहपाठियों को एक गवाही के रूप में बाहर खड़े होने के लिए रिश्वत दी। बेशक किसी ने 10 वर्षीय लड़की पर संदेह नहीं किया। आंद्रे के रिहा होने के बाद
न केवल अपनी नौकरी खो दी। घर लौटने के बाद एनरी पूरी तरह से ढह गया उन तस्वीरों से भरी दीवार पर जो उन्हें पहले युलेनका की माँ से प्यार करना था, क्योंकि उसकी पत्नी पर बहुत हमला किया गया था केवल उसकी बेटी को लेने के लिए। एनरी को पता था कि युलेनका उसे जाने नहीं देगा। अंत में एक मिनट के कारण युलेनका की माँ, वह एक आत्मघाती पत्र लिखने वाला है। लेकिन कमरे में रोशनी अचानक बंद हो गई। एनरी भी बेहोश हो गया। चेतना को फिर से प्राप्त करने तक एनरी एक ट्रंक से बंधा हुआ था और युलेनका उसके सामने बैठा था। उसे उसकी पिछली हत्या की कहानियां सुनने के लिए कहें। एनरी अब समझता है, यह पता चला कि लड़की युलेनका द्वारा आत्महत्या के लिए कूद गई। इस समय एक कार धीरे धीरे आई। एनरी को लगता है कि यह बच गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह विनाश था। कार से नीचे लड़की की मां ने खुद कूद लिया। उसकी बेटी की मृत्यु के कारण उसकी आत्मा अस्थिर थी। युलेनका के ब्रेनवॉशिंग के तहत वह शिक्षक को नाराज करने लगी। वह उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे हल करने के लिए आई। एंड्रे डर गया था, लेकिन युलेनका ने एक अफसोस का चेहरा दिखाया। जिन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पिता बनने के लिए सहमत नहीं है। आंद्रे के मरने के बाद इंतजार करते हुए युलेनका ने फिर से बंदूक लोड कर दी। अपनी उंगलियों के निशान को साफ करने के बाद अपनी माँ की माँ को दे। यह कहने के बाद कि मरने के बाद वह अपनी बेटी से मिल सकती है, उसकी माँ की माँ ने अपनी बेटी के भालू को बिस्तर पर गले लगाया। शांति से मरो। लेकिन वह उम्मीद नहीं कर सकती थी, वह दुश्मन से पीड़ित थी। यह एक आदर्श हत्या है। मेरे सहपाठी की माँ का शरीर देखें। पुलिस ने अनुमान लगाया एंड्रे को मारने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। फोरेंसिक पक्ष युलेनका की स्थिति की जांच करता है, लेकिन वह युलेनका की माँ के प्रति आकर्षित थे। वह अचानक रुक गया, छोड़ना चाहता था। युलेनका ने फोरेंसिक स्टाफ को पकड़ लिया। बहुत स्पष्ट रूप से माँ और बेटी के नए लक्ष्य हैं। वह युलेनका के पिता बन जाएंगे या एनरी के निशान का पालन करें, कोई नहीं जानता। यदि यह आप होते तो क्या आप युलेनका के पिता होने के लिए सहमत होते? मैं घर पर हूँ, फिर मिलेंगे।